हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका पीयूष वत्स। तो गाइस, आज मैं लाया हूँ आपके लिए ऑल न्यू होंडा एवेन्यू 2022। गाइस, फ्रंट का लुक देखो यार, अच्छा खासा लुक है। पहले से चेंज भी है, मतलब पहले से तो बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। बाकी आप अगर व्यू देखोगे गाड़ी का, तो भाई गाड़ी का लुक जो है ना, अच्छा है भाई, डिसेंट लुक है भाई गाड़ी का। अगर आप इसके देखें तो ये सारा क्रोम में आता है भाई, ये सारा क्रोम में दे रखा है। ये जो वेरिएंट है ना आपका, ये हुंडई का फेमस इंजन 1.2 कापा इंजन जो आता है, वो इंजन है। ये पेट्रोल में है भाई, एसएक्स वेरिएंट है ये। इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता भाई पेट्रोल का, बाकी डीजल में आता है। तो गाइज ये देखो, यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ लाइट दे रखी है। ये यहाँ पे इंडिकेटर है, ये नीचे इसके प्रोजेक्टर है, और ठीक है ये इसकी हाई बीम है। और भाई ये देखते हो, ये इसकी DRL है, इस तरीके से इसकी कुछ DRL चलती है। यहाँ पे ऊपर कोई DRL नहीं है यहाँ पे इसकी, और नीचे कुछ अगर आप देखो तो इसमें SX वेरिएंट में कोई फॉग लैंप कुछ नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर ही है जिस तरीके से आपको लाइट दे रखी है, नीचे कोई फॉग लैंप नहीं है। बाकी नीचे से जो इसका ये है ऐसे दे रखा है, कुछ नीचे से बम्पर जो है इसका कुछ इस तरीके का दे रखा है। और भाई डुअल टोन में नहीं है, सिंपल ऐसी आती है ये। तो बोनट में देखोगे अच्छा खासा भारी बोनट है भाई, बहुत अच्छा खासा भारी बोनट है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बट भाई यहाँ पे कोई इंजन हीट प्रोटेक्टर नहीं आता यहाँ पे इसके, होंडा ही ने कुछ नहीं किया हुआ। और इस तरीके से का कुछ इसका इंजन आता है। अगर आप इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो भाई ये 1.2 लीटर का इंजन है जो 82 BHP पावर निकालता है विद 114 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो कुछ इस तरीके से इंजन है भाई, मतलब स्पेस पे ना स्पेस अच्छा खासा है भाई, मतलब आगे पीछे स्पेस अच्छा खासा रहेगा। ये इसकी यहाँ पे बैटरी माउंट करी हुई है, यहाँ पे आप इसका ये पानी गिरने का वाइपर के लिए, यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंजन दिखता है यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, साउंड भी ज़्यादा नहीं कर रहा, पेट्रोल इंजन है भाई, साउंड कहाँ ही करेगा। ये देखो आप इसकी बेल्ट घूम रही है ये, ठीक है। बाकी फिट एंड फिनिश जो है ना भाई, वो अपनी होंडाई का जो है फिट एंड फिनिश जो है बहुत अच्छा भाई। बोनट जो है ना भाई इसका अच्छा हैवी बोनट है भाई, बिल्ड क्वालिटी में तो मुझे कोई कमी लग नहीं रही, बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, बोनट में कोई हम्प नहीं है भाई, बिल्कुल फ्लैट बोनट है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही बोनट में, तो सही लग रहा है लोग। देखिए बात करेंगे तो भाई ये ऑटो फोल्डिंग है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक है, बस गाड़ी अभी जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये इंडिकेटर इसके, यहाँ आप डोर हैंडल देखोगे तो ये भी बॉडी कलर में है भाई, कोई सेंसर नहीं है, ठीक है। बाकी आपने RPMs तो देख ही लिए हैं, साइड से लुक गाड़ी का कुछ इस तरीके का है। और अब मैं आपको इसका साइड का लुक दिखाऊं तो भाई ये इन्होंने स्टिकर लगा रखे है भाई, ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका साइड का लुक है, साइड से बढ़िया लग रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, मतलब रोड प्रेजेंस जो है ना इस गाड़ी की भाई अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं करती गाड़ी है। और अगर आप इसके जो पूरे साइड में देखोगे तो पूरे साइड में भाई ये आपकी बिडिंग है, आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी साइड से। तो मतलब ये बिडिंग ऐसे लगा रखी है उन्होंने, पूरी साइड में बिडिंग ऐसे लगा रखी है, ठीक है। और अगर आप इसके टायर साइज़ की बात करें तो भाई 5 नट का टायर आता है इसमें, व्हील कैप देते हैं भाई। ये होंडा ने गलत चीज़ कर रखी है भाई, 1.2 पेट्रोल में इससे ऊपर कुछ नहीं आता, और उसमें भी इन्होंने ये दे रखा है व्हील कैप। और अगर आप इसके टायर साइज़ की बात करें तो भाई ये 195, टायर साइज़ की बात करें तो भाई इसका 195 65 R15 भाई, 15 इंच के टायर दे रखे हैं इसके अंदर, 195 सेक्शन का टायर है। तो भाई ये चीज़ जो है ना होंडा ने गलत कर रखी है, इसमें अलॉय व्हील नहीं दी हुई है, और ये 1.2 SX वेरिएंट है, इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता, तब भी इन्होंने इसमें ये व्हील कैप दी रखी है, ये चीज़ होंडा ने गलत कर रखी है। बाकी 15 इंचेस के टायर है भाई, ये देखो। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना तो भाई तो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छा मतलब ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm भाई, तो कहीं अड़ने वड़ने का तो चांस है नहीं, ठीक है। और भाई अगर आप इसका देखोगे तो ये साइड में ये आपके रूफ रेल्स दे देते हैं, यहाँ पे रूफ रेल्स है। पीछे से जो आप अगर साइड से लुक देखोगे तो कुछ इस तरीके का लुक है भाई, पीछे से बढ़िया लगती है भाई, पहले वाली वेन्यू से तो बढ़िया ही लग रही है भाई ये। अब अगर पीछे से देखोगे भाई, पीछे से भी लुक इसका भाई एकदम चेंज है भाई, पहले वाली वेन्यू से तो भाई बहुत बढ़िया कर दी है भाई, ये जो ब्लैक लाइन करी है ना भाई, मतलब एक नंबर लग रही है भाई कार, कोई दिक्कत नहीं है भाई कार में, लुक देखो आप भाई। और भाई फिर आप इसके देखोगे तो लाइट्स देखोगे तो ये भाई सारे इन्होंने ऐसे ब्लैक करी हुई है, स्मोक ही नहीं है भाई, ये प्रॉपर ब्लैक करा हुआ है इन्होंने। बाकी ये इसकी लाइट्स है, ये इसके इंडिकेटर है, और नीचे इन्होंने ये रिफ्लेक्टर दे दिए हैं भाई, यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने ना यहाँ पे ये दिया है ब्लैक कलर से, कुछ डिजाइन सा दे रखा है। इसका डिफ्यूज़र है, वो डिफ्यूज़र देखो भाई इस तरीके का कुछ डिफ्यूज़र लगा रखा है इन्होंने। और ये इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर, भाई होंडाई की बैचिंग मिल जाती है, ऐसे वेन्यू की बैचिंग है, तो मतलब बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा लुक है गाड़ी का।
पहले से तो बहुत अच्छा है भाई, पहले वाली वेन्यू से तो। और आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें कोई पीछे वो नहीं मिलता वाइपर, पीछे इसके कोई वाइपर नहीं मिलता भाई, डिफॉगर तो ये रे, बट इस एसएक्स वेरिएंट में कोई पीछे वाइपर नहीं है। और ये इसकी ब्रेक लाइट, जब ब्रेक मारोगे तो ये लाइट जल जाएगी। और ये इसका शार्क फिन एंटीना, डुअल टोन में कुछ नहीं है भाई, सारी गाड़ी एक ही कलर की है एसएक्स वेरिएंट में। मैं आपको पर्टिकुलर एसएक्स वेरिएंट के बारे में बता रहा हूँ ये सारी डिटेल भाई। आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ये रिवर्स कैमरा यहाँ पे माउंट किया हुआ है नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर, और ये आपकी नंबर प्लेट की लाइट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो इसका नीचे से कुछ इस तरीके से दिखती है भाई, यहाँ पे आपको कुछ बांध के, कोई इसकी गाड़ी वाड़ी खराब हो जाए, खींचनी हो तो वो भी आराम से खींच सकते हो, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं भाई। तो बूट स्पेस जो है इसका भाई अच्छा खासा है, इसका बूट स्पेस कितना लीटर है वो मुझे अभी पता नहीं है, वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इस तरीके से बूट स्पेस है भाई, ये इसकी पार्शियल ट्रे है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे लाइट दे देते हैं आपको, यहाँ पे लाइट मिल जाती है। ये इसका बूट स्पेस भाई, इसका अच्छा खासा बूट स्पेस है, ऐसा कोई कम बूट स्पेस नहीं है इसका, बूट स्पेस जो है सही मिलता है इसमें। और आप अगर इसके नीचे देखोगे तो फिर ये आपकी स्टेपनी जो है वो यहाँ मिल जाती है, और स्टेपनी का साइज जो है भाई वो भी सेम ही है जो आपके रेगुलर व्हील्स है, 9195/65R15 15 इंचज़ के टायर मिलते हैं इसमें भी। और यहाँ आपकी ये टूल किट रखी हुई है। तो इस तरीके का इसका कुछ बूट स्पेस है, ये आपको यहाँ पे कवर करने के लिए मिल जाता है, पूरा ये कवर है, और यहाँ से आप इसे ऐसे करके ये बंद कर सकते हो, ये यहाँ पे होगी बंद। तो भाई बूट स्पेस भी गाड़ी का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से देखोगे तो इस तरीके से कुछ लुक आ जाता है भाई। ये इसका पेट्रोल फिलिंग वॉल, सिक्स वेरिएंट पे सिर्फ ड्राइवर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। तो अब चल रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई ये देखो इस तरीके से गाड़ी का कुछ लुक है, पहले वाली वेन्यू से तो भाई बढ़िया ये लुक यार इसका। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कोई सॉफ्ट टच नहीं है भाई, यहाँ पे प्रॉपर हार्ड है। ये आपके इसके कंट्रोल पावर विंडो के, ये आपके मिरर के, जो मैंने बताया आपको RVMs ऑटोमेटिक्स हैं, ठीक है। और डोर अनलॉक का जो है आपका इस तरीके से आता है भाई। ये कोई स्टेयरिंग में नहीं, यहाँ पे इसमें कोई क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, ये आपके जो यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं ये आपके MID के कंट्रोल है, ये आपके म्यूजिक सिस्टम के। और आपको यहाँ पे कॉल अपनी जो उठानी है या फिर कुछ करना है तो वो कट करने के लिए यहाँ पे आ जाता है। और बाकी जो ये स्टेयरिंग है ये डी कट स्टेयरिंग आता है यहाँ पे, जो सेम क्रेटा में आता है वही स्टेयरिंग है। और भाई MID जो है वो आपका इस तरीका दिखता है भाई, इस तरीके का कुछ MID है इसका। अगर आपको इसका चेंज करना हो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे देखो, ऐसे आप इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, सिंस रिफ्यूलिंग आप इन्हें कितना करवाया, ड्राइविंग इन्फो कितनी है। तो मतलब ये अच्छी खासी डिटेल दे देती है, मतलब कोई दिखे ना, फुल्ली डिजिटल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे AC विंड्स जो है वो इसके इस तरीके से आते हैं। और अगर आप देखोगे इस लाइट्स का कंट्रोल है, अगर लाइट यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इस तरीके से है कुछ। और बाकी यहाँ पे भाई आपकी सेम स्क्रीन, वही 8 इंचज की स्क्रीन है, ये आपकी 8 इंच की स्क्रीन है। इस तरीके से AC विंड्स है, यहाँ पे आपका ये म्यूजिक इसके सिस्टम के कंट्रोल है। इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो भाई वही नॉर्मल होंडा का जो टिपिकल म्यूजिक सिस्टम आता है वो है, अच्छा खासा साउंड है, कोई इतना बुरा साउंड नहीं है, बढ़िया साउंड है। ये इसके स्पीकर, यहाँ पे आपको दोनों गेट पे ट्विटर मिल जाते हैं, और स्पीकर आपके इस तरीके से है ही, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये AC जो आपका इस तरीके से आ जाता है भाई, यहाँ पे AC के कंट्रोल है। और यहाँ पे ये नीचे USB सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी है, सी टाइप सॉकेट दिया हुआ है भाई यहाँ पे, और एक नॉर्मल सॉकेट भी है, तो दोनों बंदों के लिए सही है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है इसकी, और ये मैनुअल गाड़ी है, तो ये गियर नॉब इस तरीके की दिखती है इसकी कुछ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भाई सही दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं इस तरीके से, इसको हैंड ब्रेक है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, अगर आपको कुछ कॉइन वॉइन रखने हो तो यहाँ पे रख सकते हो भाई। सीट इसके अंदर वेंटिलेटेड नहीं आती है भाई, कोई सीट वेंटिलेटेड नहीं है इसके अंदर। बाकी ये आपका हैंड रेस्ट है इस तरीके का, इसके अंदर भी स्पेस मिल जाता है, और इसके अंदर कोई भी चार्जिंग पॉइंट या फिर ये कूलिंग बॉक्स नहीं है, नॉर्मल है बस, ठीक है। और आपकी जो ये सीट है ये मैंने बता दिया, कोई वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। और अगर आप कंट्रोल देखोगे इसका तो कंट्रोल भी भाई कोई मैनुअल कंट्रोल है, कोई इलेक्ट्रिक कंट्रोल नहीं है यहाँ पे भी। और अगर आप गेट में डोर में स्पेस देखोगे तो भाई स्पेस भी ठीक ठाक है भाई, 1 लीटर की बोतल जो है ना वो आ जानी चाहिए, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी तो भाई डिसेंट बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये आपके वाइपर के कंट्रोल है, ये आपके लाइट्स के कंट्रोल है। और यहाँ पे साइड में अगर आप आओगे तो इस तरीके से है भाई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी स्पेस दे रखा है इन्होंने रखने के लिए,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप स्पेस रख सकते, मतलब स्पेस के लिए तो भाई होंडा वेन्यू में ना सही कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखोगे तो ये भी यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स है भाई, और इसका भी स्पेस जो है ना वो डिसेंट है, कोई दिक्कत वाली आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। तो लाइट इसमें जो है, लाइट नहीं है इसमें, बट ये कूल ग्लव बॉक्स है। ये रियर व्यू मिरर आपका, ये आपका ऑटोमेटिक है, और आपका जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे SOS, अगर गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो आप यहाँ पे इसको प्रेस कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे इसका वो मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर आपका जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये आपका रोड साइड असिस्टेंस है, अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई या कुछ आ गया तो आप इसको करोगे तो आपको रोड साइड असिस्टेंस की फैसिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे ये भाई आपका जो बी है ना ब्लू लिंक है भाई, आपका जो आपकी गाड़ी अगर कहीं भी होगी या कुछ भी होगा तो आपकी ट्रैक हो जाएगी, ये आपका फोन से जो है ये कनेक्ट होता है, तो इसलिए आपकी गाड़ी आराम से इजिली ट्रैक हो सकती है। में कोई लाइट नहीं आती है ड्राइविंग साइड में, और को पैसेंजर साइड में भी कोई लाइट नहीं आती है, बट आपको मिरर अवेलेबल करा दिया है। ये यहाँ पे इसकी माइक, और ये यहाँ पे इसके लाइट्स है, ये इस तरीके से लाइट चलती है भाई, कोई LED नहीं है, येलो कलर का ही बल्ब है। और भाई अब मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ इस गाड़ी की, सनरूफ पे सनरूफ का कंट्रोल है इसका, और ये देखो ये भाई इसकी सनरूफ है। तो भाई देखो सनरूफ इसकी कुछ डिसेंट है भाई, पैनोरामिक सनरूफ कोई अवेलेबल नहीं आती इतनी सनरूफ है, बट डिसेंट है भाई, सही है स्पेस यार सनरूफ का, और वन टच में आता है ये। अब जैसे मैं इसे बंद करूँगा तो आप देखो ये ऐसे बंद हो जाएगा, बंद करते टाइम जो है ना भाई इसको हाथ से करना पड़ेगा, बट जब आप ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वन टच करोगे भाई आपकी यहाँ तक ओपन होगी, फिर अगर आपको दोबारा टच करना पड़ेगा तो एकदम पीछे तक चला जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और मैं आपको पीछे की डिटेल्स बताता हूँ। तो भाई ये आ गया गाड़ी के पीछे, यहाँ पे स्पेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेस आपको बढ़िया मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी डोर पे देखोगे तो भाई यहाँ पे आपके विंडो के कंट्रोल, और यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं भाई, और नीचे आपको देखोगे तो चार्जिंग सॉकेट भी है, बट भाई चार्जिंग सॉकेट जो है दोनों सी टाइप है, यहाँ पे नॉर्मल USB सॉकेट नहीं है। और बाकी इस तरीके से कुछ पीछे से आता है, यहाँ पे आपको सीट पे जो आपको यहाँ पे ये आर्म रेस्ट है आपका यहाँ पे, फिर दो ग्लास होल्डर के साथ आ जाता है भाई यहाँ पे, कर सकते हो बंद। अगर आप पीछे देखोगे आपका ये हेडरेस्ट जो है ये भाई दोनों एडजस्टेबल है, जो ये सीट्स है आपकी ये 60-40 स्प्लिट है भाई, और सही ठीक ठाक फीचर्स तो सही दे रखते हैं, बस यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता, बाकी ये दोनों आपके जो है वो एडजस्टेबल है। तो गाइज ये था फुल रिव्यू ऑफ ऑल न्यू होंडाई वेन्यू 2022 पेट्रोल SX वेरियंट का। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।